नमस्कार दोस्तों, एमएलएम डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको यूट्यूब इसकी जानकारी दे दे। हम एमएलएम डायरी के माध्यम से बहुत सारे प्लान्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज भी जो जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक बहुत इमर्जिंग कंपनी है, बहुत तेजी के साथ फैल रही है। लोग काफी लोग इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, नेक्स्ट मनी के नाम से है ये कंपनी। इसी की कंपनी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। 1770 रुपए का जो प्लान है, जिसमें बताई जाती है 178 करोड़ की इनकम है, तो वो इनकम क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितनी मेहनत उसके लिए करनी होगी, क्या क्या प्रॉस है, क्या क्या कॉन्स है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि सबसे पहले हम कंपनी के लीगलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के पास लीगल क्या क्या है? इनकॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट है, मतलब कंपनी ने एमसीएम रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जीएसटी है कंपनी के पास में, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी ले रखा है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां से भी कंपनी ने सर्टिफिकेट ले रखा है अपना। ट्रेडमार्क है कंपनी का नेक्स्ट मनी का, ये भी ट्रेडमार्क कंपनी का है जिसका सर्टिफिकेट कंपनी ने ले रखा है। इनकम टैक्स का ये पैन कार्ड आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, यानी कि जब आपका जो टीडीएस कंपनी काटेगी तो वो यहाँ जमा कराएगी इनकम टैक्स में, जिसको आप बाद में रिटर्न में ले सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, वहां भी कंपनी ने अपना सर्टिफिकेशन करा रखा है। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। अवार्ड्स की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से अवार्ड्स कंपनी को मिले हैं। अभी मैं कंपनी के पॉजिटिव आपको बता रहा हूँ। कंपनी ने लीगल फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट सभी पूरी कर रखी है। ये बैंकॉक में कंपनी को अवार्ड मिला था जो कि बेस्ट एमर्जिंग कंपनी के नाम से था, जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कंपनी के एमडी को दिया था। दुबई में कंपनी को अवार्ड मिला जो कि बेस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 के लिए मिला, और वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन ने कंपनी के एमडी को यह अवार्ड दिया। राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड भी कंपनी ले चुकी है। बहुत कम समय में वो काफी अवार्ड्स कंपनी को मिल चुके हैं। ये देखिए, ये डिजिटल वुमेन अवार्ड 2018 एक्सिस बैंक से कंपनी को मिला, शबनम परवीन जो कि कंपनी की पार्टनर है। कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in, ये गवर्नमेंट की साइट है जिसमें कि गवर्नमेंट ने ऐसी कंपनी को लिस्टेड कर रखा है, कंपनी के जिन्होंने गवर्नमेंट से कि जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए सभी सर्टिफिकेशन लिए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए जो बिजनेस कर रही हैं। ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है। अभी आप देखेंगे तो ये 20/8/2019 को अपडेट हुई है। इस लेटेस्ट अपडेट में भी कंपनी 263 पे है यहाँ पे, मतलब ये जो गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब इस लिस्ट में होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी कंपनी ने फुलफिल कर रखी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा जब तक कि ये उन रूल्स को फॉलो करके बिजनेस करते रहेंगे। प्लान के बारे में बताऊं आपको, प्लान 1770 रुपए से स्टार्ट होता है, 1500 प्लस 270 जीएसटी है, 1500 का प्लान है। 1770 में मिलता क्या है? तो आपको 1550 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन रिवार्ड पॉइंट्स के बदले में आप मोबाइल रिचार्ज बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट और डीटीएच रिचार्ज, इस तरह के रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये 1550 रुपए हैं एक तरह के, और इस ये जो आप रिवार्ड पॉइंट्स को यूज करेंगे तो उसमें अभी आपको कैशबैक मिलेगा। कंपनी का खुद का ऐप है नेक्स्ट मनी के नाम से, आप उस पर जाके अगर इन रिवार्ड पॉइंट्स को यूज करके कोई भी शॉपिंग करेंगे, कुछ भी रिचार्ज करेंगे, तो वहां आपको कैशबैक भी मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट आप मतलब ये तब है जब आप किसी को भी जोड़ने की, आपको कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आप जब भी 1770 रुपए से कंपनी को देते हैं तो वो आपके उसमें 1550 रिवार्ड पॉइंट दे देते हैं, और रिवार्ड पॉइंट को आप बिना किसी को जोड़े भी यूज कर सकते हैं, कोई टर्म कंडीशन नहीं है। प्लान क्या है? वैसे तो कंपनी में बहुत सारी इनकम है, 7 तरह की इनकम्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफरल इनकम की बात बताने वाला हूँ, जिसपे 178 करोड़ रुपए कमाई का दावा किया जाता है। हम सिर्फ उसी की बात करने वाले हैं। तो इसमें लेवल 1 यानी कि जो आपके डायरेक्ट होंगे उनसे आपको 20% पैसा मिलने वाला है, यानी कि 1500 का 20% 300 रुपए। टीम साइज आपकी अगर 5 हो गई, आपने 5 डायरेक्ट कर दिए तो आपको टोटल 1500 रुपए मिले। सेकेंड लेवल पर आपको 2% मिलेगा, यानी कि 30 रुपए होते हैं। अगर 5 लोगों ने पांच पांच सबको ने जोड़ दिए तो नीचे आपके 25 लोग हो जाते हैं, अमाउंट हो जाता है 750। 750 और 1500 को आप जोड़ते हैं तो ये 2250 रुपए हो जाते हैं। लेवल 3 पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ 3% मिलता है, 1500 का 3% होता है 45 रुपए। टीम
टीम साइज आपकी हो जाए वो 125 हो जाती है, मतलब इन 25 लोगों ने भी पांच पांच लोगों को जोड़ लिया तो 125 हो गए, तो आपको मिलते हैं 5,625 रुपये। जब आप 5,625, 750 और 1,500 को जोड़ते हैं तो आता है 7,875 रुपये, मतलब आपकी कमाई 7,875 रुपये हो जाती है। ऐसे ही फोर्थ लेवल पे आपको 4% मिलता है जो 60 रुपये होते हैं, फिफ्थ लेवल पे 5% मिलता है, 75% हो जाते हैं, सिक्स लेवल पे आपको 6% मिलता है, आपको 90 रुपीज मिलते हैं पर ज्वाइनिंग, सेवंथ लेवल पे 7%, 105 रुपये हो जाते हैं, एट्थ लेवल पे 8%, 120 रुपये, नाइन्थ लेवल पे 9% और 135 रुपये मिलते हैं, टेंथ लेवल पे 10% और आपको 150 रुपये मिलते हैं। इस 150 की से जो टीम बनती है और जो अमाउंट आपके पास आता है वो बनता है 146,48,43,750 रुपये। ये इतना अमाउंट बनता है और जब ये सारे अमाउंट को जोड़ दिया जाता है, जो अमाउंट आपकी टीम बनने से हुआ, जो पांच पांच काम ने कंसिडर किया कि पांच के नीचे फिर पांच जुड़े, फिर पांच के नीचे पांच पांच जुड़े, फिर उन नीचे के भी पांच पांच लोग जुड़े, तो आपकी टोटल कमाई हो जाती है 178,52,00,000 रुपये। ये है मेन जो 100% सक्सेस अगर आप कर लेते हैं जो पिछले उसमें हमने बताया, तो रेफरल इनकम, बाकी की इनकम अलग है, सिर्फ रेफरल इनकम आपकी 178 करोड़ रुपए होती है। 50% सक्सेस अगर आपको मिलती है तो 89.2 करोड़ आप कमा सकते हैं, 25% सक्सेस में आप 44.6 करोड़ कमा सकते हैं, अगर आप 10% भी सक्सेस हुए तो 17.8 करोड़ कमा सकते हैं, 1% सक्सेस पे 1.78 करोड़, मतलब अगर आपने 1% सक्सेस, ऐसा कंपनी का कहना है कि 1% सक्सेस भी हासिल की तो भी आप 1.78 करोड़ रुपए कंपनी से कमा सकते हैं। अब यहीं पे सारा झोल है, यहीं पे सारा खेल है, 1% ऑफ वॉट, 100% ऑफ वॉट, 100% सक्सेस का मतलब यह है कि वो जो टीम बनाई गई, वो जो इनकम दिखाएगी, 178 करोड़ रुपए आपने कमा तो लिए, लेकिन उसके लिए जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो आपको पता नहीं है। 100% क्या है, क्या है ये 100%? अगर कोई आदमी गया कहीं काम करने के लिए, मान लीजिए कोई पेंटर है, वो गया कहीं पेंट करने, तो उसको पता है कि हाँ मुझे मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर पेंट करना है उस व्यक्ति को, तो 100 मीटर स्क्वायर पर उसको इतना पैसा मिलेगा। अब 50 मीटर स्क्वायर किया तो उसका आधा कर लेगा, 25 किया तो आधा कर लेगा, 1% ही किया काम, 1 मीटर स्क्वायर काम किया तो उतना पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ 100% कितना?